वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करें नई नई वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों वीडियो को फुल देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक नया सेट टॉप बॉक्स आया है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसमें कैसे आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सेम प्रोसीजर पकारिया जो इस जैसा मेन्यू होगा। आप वीडियो फुल देखें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे दूसरी वीडियो डाली हुई है, उनको देख कर अपनी समस्या का सलूशन आप मेरे चैनल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका धन्यवाद। तो बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों ये मेन्यू आप देख सकते हैं, इस जैसा मेन्यू पकारिया सॉलिड सभी सेट टॉप बॉक्स में आता है दोस्तों। इसका जो साइज होता है 4 MB का होता है, उसको कैसे आप कर सकते हैं और कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बताऊंगा भी आप इसको कैसे अपने लैपटॉप पेन ड्राइव में कैसे इसको रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यूनिटी में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन है, वहाँ पर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर USB अपडेट की जगह पर डंप फाइल कर देना है, उसका ओके। यहाँ पर आपने पेन ड्राइव डाली हुई है तो दोस्तों डबल मत होना, डबल फाइल मत करना इसमें। आपको बता देता हूँ वो कैसे, अभी इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो नाम होगा डंप आल डॉट बिन होगा, तो पेन ड्राइव बिल्कुल खाली होनी चाहिए, वरना आपकी जो पहले डंप आल फाइल होगी तो उस पर ये चढ़ जाएगा और आपकी पहली फाइल ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब था कि डबल फाइल मत करना। तो दोस्तों डंप डू नॉट कट, आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए चाहिए। अगर लाइट चली गई तो सेट टॉप बॉक्स आपकी डंप फाइल ख़राब हो जाएगी और सेट टॉप बॉक्स को भी नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अभी इसका डंप हो चुका है, जे रहा डंप आल बिन। तो आपने क्या करना है, अभी इस पर इसको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको ओके करना है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर का प्रोसीजर है। तो दोस्तों अभी इसका सॉफ्टवेयर मैंने पहले डंप ले लिया, अभी आपको करके बताता हूँ। सेम वही प्रोसीजर सॉफ्टवेयर का है। तो लाइट, वही बात आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइट मत जानी चाहिए, इन्वर्टर पर अपना सॉफ्टवेयर करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो दोस्तों मेरी दूसरी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको भी देख कर आप अपनी जो प्रॉब्लम है आपकी उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। उसका हल मेरे चैनल में डाला हुआ है, किसी ना किसी के कोई काम वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इसका हो चुका है। तो सोलर प्रकारिया काफ़ी कंपनी है, जो मैंने आपको मेनू दिखा दिया, इसी मेनू जैसा ही सेम प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। इस पर दोस्तों आपको बता देता हूँ, इस पर पकारिया कंपनी का डोंगल, वाईफाई डोंगल और पकारिया का रिमोट काम कर जाएगा।